मंडी बिरयानी अंडरग्राउंड कुकिंग थ्री फुल गोट अरेबियन मटन मंडी। नानकराम गुड़ा के गांव में मंजू बिरजू कहकर दो युवक रहते थे। वे दोनों बगल वाले गांव में जाकर चिल्लर चोरियां करते रहते थे। जेब मारना, औरतों के गले में से गहने चुराना, पेड़ पर चढ़कर नीचे जाते हुए लॉरी में से सामान उठाना, ऐसे चोरियां करते रहते थे। उन चुराए पैसों से अच्छे से शराब पीकर मौज मस्ती करते थे। एक दिन मंजू, दोस्त हम जंगल में जाकर प्रकृति के सुंदरता को देखते हुए कुछ दिनों के लिए जंगल में ही रहेंगे क्या? इस गांव में लोगों को देख देख कर तंग आ चुका है, क्या कहते हो? पूछा तब बिरजू, सोच तो बढ़िया है दोस्त, लेकिन जंगल में हमें खाने के लिए और रहने के लिए कैसे होगा? जेब चुराना है या फिर गहने चुराना है तो उधर लोग नहीं रहते हैं ना? कहा तब मंजू, उसके लिए मेरे पास एक बेहतरीन विचार है दोस्त। पहले कहीं से भी एक टेंट को और खाना पकाने का बर्तनों को चुराते हैं, बाद में जंगल में जाकर उधर टेंट लगाते हैं, और खाने का कहे तो जंगल में चारा खाने के लिए आए बकरियों को चुरा कर मंडी बिरयानी पका कर खाएंगे। वो कैसे बनाना है वो मुझे पता है, कहकर उसका प्लान को बताया। ऐसे दोनों मिलकर किसी और का लगाया टेंट को और खाने का बर्तनों को चुराए, टेंट को लाकर जंगल में एक जगह में लगाए, बाद में पेड़ के पीछे छुपकर बकरियों के लिए इंतजार करने लगे। इतने में एक आदमी बकरियों का झुंड के साथ जंगल में आया। तब मंजू भाग जैसा आवाज किया। तब वो आदमी बहुत डर के मारे बकरियों को छोड़कर उधर से भाग गया। बाद में दोनों मिलकर तीन बकरियों को चुराकर उधर से लेके चले गए। एक जगह पर दोनों मिलकर एक गड्ढा खोदना शुरू किए। गड्ढा खोदने के बाद उसके अंदर ईंट लगाकर मिट्टी लगाकर एक चूल्हा जैसा तैयार किए, उसमें लकड़ियों को लगाकर जलाए। बाद में एक बर्तन में बिरयानी के लिए चाहिए सब कुछ चीज डालकर उस बर्तन को उस चूल्हा पर लगाए। बकरी को अच्छे से नमक मिर्ची और मसाला लगाकर उस आग पर लगाए। कुछ देर के बाद उधर बिरयानी और अच्छा सा पका हुआ बकरी का मांस तैयार हुए। दोनों ने उनके साथ लाया दारू पीते हुए उस बिरयानी और मटन को खाकर बहुत मजा लेने लगे। ऐसे हर रोज पेड़ के पीछे छुपना, कोई भी बकरियों के साथ आए तो कहकर भाग जैसा आवाज करना, वो सुनकर वो आदमी बकरियों को छोड़कर भाग जाना। फिर दोनों बकरियों को चुरा कर उनसे मंडी बिरयानी बनाकर खाना, ऐसे करने लगे। ऐसे थोड़े दिन बीत गए। एक दिन बकरियों को पालने वाले सब लोग मिलकर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों से उनका समस्या के बारे में बताए। तब फॉरेस्ट ऑफिसर, ये आप क्या कह रहे हैं? असल में हमारे गांव के नजदीक के जंगल में बाघ ही नहीं है। बाघ को छोड़ो और कोई जंगली जानवर की जात ही नहीं है हमारे जंगल में। बाघ का जात अंत हो रहे है कहकर उनको ही लाकर हमारे जंगल में छोड़ने के लिए सोच रहे हैं सरकार। तो आप जो बोल रहे हैं वो भाग कहाँ से आया है? सुनने के लिए ही बहुत अजीब सा लग रहा है। ठीक है, मैं जैसा कहता हूँ वैसे कीजिए, कहकर उनसे क्या करना है बताया। अगले दिन फॉरेस्ट ऑफिसर कुछ कर्मचारियों के साथ मिलकर बकरियों को पालने वाले जैसे भेष पहनकर बकरियां पालने वालों से कुछ बकरियां ले जाकर जंगल में गए। जंगल में वे बकरियों का देखभाल कर रहे थे तो पेड़ के पीछे से मंजू और बिरजू कहकर आवाज करने लगे। तब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले डर कर भागने का नाटक करके एक पेड़ के पीछे जाकर छुप गए। तब मंजू और बिरजू बाहर आकर बकरियों को पकड़कर जा रहे थे। तब पेड़ के पीछे छुपे हुए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले उन लोगों का पीछा किए। मंजू वाले उनके खाना पकाने का जगह में आए, तभी उधर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले उनको घेर लिए और उनको पकड़कर खूब पिटाई किए।
तब फॉरेस्ट ऑफिसर, अरे ओ नमूने, इतना अच्छा से मंडी का सेटअप तो किए, ये काम अगर आप गांव में किए होते तो आपको अच्छे से पैसे भी मिलता है ना। चाहिए तो आपके लिए पैसों का मदद मैं करता हूँ। अब से आप चोरियां छोड़ेंगे कहकर मुझे वचन दिया तो मैं तुम्हें जेल भेजे बिना होटल लगाने में मदद करता हूँ, कहा। तब मंजू, सर हमारा गलती का एहसास हमें हो गया है, अब से चोरियां नहीं करेंगे कहकर वचन दे रहे हैं सर। आप जैसे अच्छा ऑफिसर रहेंगे तो जुर्म करने वालों में अच्छा बदलाव आता है सर, कहकर दोनों उनको प्रणाम किए। ऐसे गांव में एक जगह पर एक बिरयानी सेंटर खोलकर तब से मंडी बिरयानी पकाते हुए जिंदगी में बस गए। ये देखकर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले बहुत खुश हुए। सीता से शादी। नांदेड़ नाम का एक गांव था, वहां ईश्वर नाम का एक व्यक्ति था। वो बहुत अच्छा व्यक्ति था पर जरा मुंह फट था। ईश्वर किशनचंद की बेटी रितु से प्यार करता था। एक दिन वो किशनचंद के पास गया और, अंकल जी मुझे रितु से प्यार है, आप जल्दी से जल्दी हमारी शादी करा दीजिए। आप हमारी शादी कराते हो या फिर हम? ना बेटे, अपने मुंह से कुछ ना कहो, फिर गड़बड़ हो जाएगी। चिंता ना करो, मैंने जैसे चाहा था तुम एक अच्छा आदमी बने हो। अब मुझे मेरी बेटी की कोई चिंता नहीं है, कल ही तुम दोनों की शादी है, तैयारी कर लो। ईश्वर खुशी खुशी जंगल के रास्ते से अपने घर जा रहा था। खुशी के मारे ईश्वर, अरे कल ही मेरी शादी है, ईश्वर की शादी है, रितु घर वाली है, मजा आने वाला है। यूं जोर जोर से गाता हुआ जा रहा था कि तपस्या भंग होने पर मांत्रिक गुस्सा होकर, हे मूर्ख, ये क्या बकवास गाना गा रहे हो, गधों की तरह रेंगते हुए, दफा हो जाओ यहाँ से। क्या मुझे गधा कहते हो? तुम अपने आप को कोयल समझते हो? वैसे तुम हो कौन और ये तुम्हारा अवतार क्या है? ये एक थप्पड़ मारा बस निकल जाएगा सब कुछ। ए ज्यादा बोल रहे हो, और थोड़ी देर तुम यहाँ रहे तो पता नहीं मैं क्या कर बैठूंगा। अच्छा तुम मुझे क्या कर लोगे? अपने आप को बड़ा हीरो समझते हो? जरा एक बार अपने आप को देख तो लो, अगर मैंने जोर से फूंक भी मारा ना तो तुम उड़ जाओगे। हिम्मत हो तो कुछ करके दिखाओ, देखता हूँ। मेरा अपमान करते हो, अब देखो। कहकर अपने हाथ के मंत्र छड़ी को घुमाया, बस हिला चुके अपनी छड़ी, मुझे कुछ नहीं होने वाला, और जितना मर्जी हिलाते रहो अपनी छड़ी को, मैं चलता हूँ, कहकर चला गया। अब रात हुई, अपने कमरे में सो रहे ईश्वर अचानक एक चीता में बदल गया। वो देखकर वो दंग रह गया और अपने मन में, ये क्या, ये मुझे क्या हो गया, मैं सचमुच बदल गया या ये मेरा वहम है, बाहर जाकर देखता हूँ तो पता चलेगा, कहकर बाहर आया। अब लोग चीता को देखकर भागने लगे। ये देखकर ईश्वर, अरे यार मैं ईश्वर हूँ, अरे मुझे बचाओ यार, तुम लोग मुझे देखकर क्यों भाग रहे हो, कहकर उनके पीछे भागा। पर लोग उसकी बातें ना सुनकर, अरे यार चीता, अरे भागो चीता आ गया चीता, कहकर भागने लगे। सवेरे होते ही फिर से चीता ईश्वर में बदल गया। तब किशनचंद ईश्वर के घर आया और रितु की शादी ईश्वर से करा दिया। शादी के बाद ईश्वर रितु से, रितु तुमसे मैंने एक बात कहनी है। पता है रात को मैं चीता में बदल जाता हूँ। हटो जी, कैसे बातें करते हो, मुझे शर्म आती है, कहकर अंदर चली गई। तब ईश्वर अपने मन में, ये क्या, ये शर्मा के अंदर चली गई, पता नहीं क्या उम्मीद लगाए बैठी है, रात को जब मैं चीता में बदल जाऊंगा ये अपने घर भाग जाएगी, यूं उसने सोचा। रात हुई, रितु अपने कमरे में आई, वहां पलंग पर उसने एक चीता देखा और जोर से चिल्लाकर भाग गई। ईश्वर अपने मन में, ये जरूर अपने मायके चली गई होगी, यूं मन में सोच रहा था कि रितु एक बड़ा डंडा लेकर कमरे में आई और चीता से, क्यों चीता, तेरी ये हिम्मत, तो मेरे ही घर आओगे, अगर मेरा बहादुर पति चीता जैसा यहाँ आता तो तुम्हें खा जाता, मैं उनकी पत्नी हूँ, मैं तुम्हें चबा नहीं जाऊंगी पर डंडा से मार मार कर मार डालूंगी। तब ईश्वर अपने मन में, लगता है ये भी मेरे जैसे ही मुंह फट है, पता नहीं इस डंडे से क्या करने वाली है, हम इसे थोड़ा डराते हैं, कहकर रितु को कहके डराया। तब गुस्से में आकर रितु डंडे से उस चीता को बहुत मारा, वो मार खाकर चीता इधर उधर भागने लगा। रितु खूब मारने के बाद चीता नीचे गिर गया।
ससुराल आई पहले ही दिन चीता को मार डालने वाली पहली महिला, कह के इस गांव में मैं मशहूर होने वाली हूँ। अरे पति को मारने वाली पहली नववधु का भी खिताब तुम्हें ही मिलेगा। अरे बहादुर महिला, तुमने मेरा ये हाल क्या कर दिया, मैं तेरा पति ईश्वर हूँ। ये सुनकर रितु, क्यों जी, क्या सचमुच आप हो? यानी सवेरे जो आपने कहा था कि आप चीते में बदल जाओगे, ये वही था? हाय रे, ये जाने बिना मैंने तुम्हें क्यों मारा इतना, मुझे माफ कर दो। आप वैसे बदल कैसे गए? मैं जानती हूँ कि आप मुंह फटो किसी को कुछ कह दिया होगा और उन्होंने आपको श्राप दिया होगा, यही है ना? हाँ ये सच है। कल तुम्हारे घर से लौट रहा था तो रास्ते में एक मांत्रिक को मैंने खूब तंग किया, उसे खरी खोटी सुना दी, उसी ने ये श्राप दिया मुझे। अब समझ में नहीं आता कि क्या करूँ। अब इसमें समझने वाली कौन सी बात है, जाकर उसके पैर पड़ते हैं, वही हमें रास्ता दिखाते हैं। कहकर चीता और रितु दोनों मिलकर जंगल में मांत्रिक को ढूंढकर मांत्रिक से माफी मांगा। तब मांत्रिक ने अपने छड़ी घुमाया और एक बिजली कौंधी और चीता ईश्वर में बदल गया। मांत्रिक को प्रणाम किया और घर चले गए।